बॉलीवुड इंडस्ट्री के नवाब कहे जाने वाले अभिनेता सैफ अली खान ने अपनी एक्टिंग करियर में बॉलीवुड इंडस्ट्री को कई सुपर डुपर हिट फिल्मों से नवाजा है, जिसमें टशन, जवानी जाने मन और कल होना हो जैसी कई ब्लॉकबस्टर फिल्में शामिल हैं और इसी के चलते इन्होंने शोहरत के साथ साथ खूब दौलत भी हासिल की है। इसीलिए तो आज इन्हें किसी पहचान की कोई जरूरत नहीं है और इसी के साथ ये जल्द ही अपनी ढेर सारी अपकमिंग फिल्मों के साथ बड़े पर्दे पर नजर आने वाले हैं, जिसमें हमें इनका काफी यूनिक लुक देखने को मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों, आप अभिनेता सैफ अली खान के बारे में तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन क्या आप इनकी पत्नियों के बारे में जानते हैं? आपको बता दें, इन्होंने अपना घर दो बार नहीं बल्कि 3 बार बसाया है। जी हाँ, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको अभिनेता सैफ अली खान की उन्हीं 3 जीवन संगिनियों के बारे में बताने वाले हैं, जिनके साथ अभिनेता सैफ अली खान का काफी गहरा रिश्ता है। तो आइए जानते हैं बॉलीवुड के नवाब की जीवन संगिनियों के बारे में। नंबर 3, करीना कपूर। बॉलीवुड इंडस्ट्री की खूबसूरत अदाकारा करीना कपूर ने फिल्म रिफ्यूजी से बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना पहला कदम रखा था और इसके बाद इन्होंने मैं प्रेम की दीवानी हूँ, कभी खुशी कभी गम और जब भी मेट जैसी कई फिल्मों में काम किया और इसी के चलते अपने करियर को आज भी बरकरार रखा हुआ है। आपको बता दें, इन्होंने अभिनेता सैफ अली खान से साल 2012 में शादी की थी। हालांकि ये सैफ अली खान की दूसरी वाइफ है, जो आज भी एक दूसरे के साथ खुश जिंदगी बिता रहे हैं, जिनकी प्यार की दास्तां फिल्म कुर्बान से शुरू हुई थी। कुर्बान मूवी में साथ काम करने के दौरान ही दोनों एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे थे और तकरीबन 2-2.5 सालों तक एक दूसरे को डेट करने के बाद ही दोनों ने साल 2012 में अपना घर बसा लिया था, जिससे आज इन्हें एक प्यारा सा बेबी है जिसका नाम तैमूर अली खान है। नंबर 2, अमृता सिंह। बॉलीवुड इंडस्ट्री की जानी मानी अभिनेत्री अमृता सिंह ने अपने एक्टिंग करियर में मर्द, 2 स्टेट्स और हिंदी मीडियम जैसी कई सुपर डुपर हिट फिल्मों में काम किया है और दर्शकों से खूब वाहवाही लूटी है, जिसके चलते आज भी इन्हें किसी पहचान की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि जब अभिनेत्री अमृता सिंह अपने करियर के सफल मुकाम पर थी, तब ये सैफ अली खान को अपना दिल दे बैठी थी और दोनों ही एक दूसरे को चाहने लगे थे, जिसके चलते इन्होंने साल 1991 में एक दूसरे को अपना जीवन साथी चुनने का फैसला किया था। लेकिन इनकी ये शादी काफी सुर्खियों में रही थी, क्योंकि अमृता सिंह सैफ अली खान से तकरीबन 12 साल बड़ी थी और इसी बात से दर्शकों के साथ साथ इनके फैमिली मेंबर भी काफी चौंक गए थे, क्योंकि सैफ अमृता से बेहद प्यार करते थे तो उन्होंने किसी की परवाह ना करते हुए अमृता को अपना जीवन साथी चुना, जिसके चलते आज इस शादी से इन्हें 2 बच्चे हैं, जिनका नाम सारा अली खान और इब्राहिम अली खान है। लेकिन इनकी ये शादी कुछ ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाई और शादी के 13 साल बाद ही साल 2004 में दोनों ने एक दूसरे को तलाक दे दिया, जिसके बाद जहां अमृता सिंह आज भी तलाकशुदा जिंदगी जी रही हैं, वहीं सैफ अली खान ने करीना कपूर के साथ अपना घर बसाया। नंबर 1, रोजा कैटलानो। रोजा कैटलानो का नाम सुनकर आपको थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन आपको बता दें कि रोजा कैटलानो सैफ अली खान की जिंदगी का अहम हिस्सा रही हैं, जिसकी यादें सैफ शायद ही कभी भुला पाए। जी हाँ, खबरों के मुताबिक जब अभिनेता सैफ अली खान अमृता सिंह के साथ शादी के बंधन में बंध चुके थे, उसी दौरान सैफ कीनिया गए थे, जहाँ एक शो के दौरान उनकी मुलाकात रोजा कैटलानो से हुई थी। रोजा कैटलानो इटली की फेमस मॉडल रही है, जिन्होंने आज भी अपने करियर को बरकरार रखा है। बता दें कि शो के दौरान सैफ और रोजा एक दूसरे के बेहद करीब आ गए थे और दोनों काफी सालों तक रिलेशनशिप में भी रहे। हालांकि वो बात अलग है कि इन दोनों ने एक दूसरे के साथ अपना घर नहीं बसाया, लेकिन रोजा कैटलानो इस बात से पूरी तरह अनजान थी कि सैफ अली खान अमृता सिंह के साथ शादी के बंधन में बंध चुके हैं। लेकिन जब रोजा को सैफ की शादी के बारे में पता चला, तब रोजा ने उसी वक्त इस रिश्ते को खत्म करने का फैसला किया और तभी से लेकर आज तक सैफ और रोजा एक दूसरे से कोसों दूर रहते हैं। तो दोस्तों, आपको अभिनेता सैफ अली खान के साथ इन 3 रिलेशनशिप के बारे में जानकर कैसा लगा? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही चटपटी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।